तो जी पहुंच गए हैं धनौल्टी और यहाँ का मौसम है सुहाना, दिल है दीवाना। भाई एसी बंद कर दो। एसी बंद करने को मत कहना। खिड़की ऑन कर दो। खिड़की ऑन, गेट को कर दो ऑफ। सही कह रहा हूँ, अच्छा मौसम है बाहर। तो जी सवारी की फरमाइश आई है, एसी बंद कर देते हैं। निकल रहे हैं मसूरी की ओर, और तो कहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि शाम टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा मसूरी में थोड़ा सा घूमेंगे इधर उधर और फिर अपना घर चले जाएंगे। यार गाड़ी कहाँ खड़ी करें भाई, अरे धूप आ गई यार, अभी तो बादल जा रहे थे। सीजन के इतना मच्छर भाई, भाई। सर एकदम हथियार निकाल लेते, देखो हथियार निकाल लेते। धनौल्टी में रुके हैं थोड़ा सा, हो गया भाई, तो दिक्कत होगी। अरे वो चाचा से बोलते ना सही करने के। अरे यार तो हम आ गए हैं ऊटी वाले सीन में, और ये धनौल्टी का इको पार्क है सर, जा रहे हैं। इसमें हाथी भी है, रेस लगा है, शौचालय है इधर, सोच करने के इसका हम यूज करेंगे अभी। हाँ लेकिन अभी दिखेंगे इनके, नहीं ये नहीं पता, अभी वर्ड्स अभी दिखाते हैं। अंदर आ गए हैं जैसे कि आपने देखा, तो अब हम आगे को कूच कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, बेसिकली वो लोग वहाँ से सीढ़ी चढ़ गए और हम लेंगे ये शॉर्टकट। स्लो में ही सही आ रहा है, देखो बादल यहाँ पे, ये बादल हैं कैसे उड़ रहे हैं, बादल है ये। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing. निकाल दिया, 50 किलोमीटर नहीं चले, 50 किलोमीटर व्यू पॉइंट देखते हैं, लेकिन मजा तो यही है यार, और क्या, होटल में जाके पढ़ने का क्या मजा है। नहीं उसी होटल में रुकेंगे क्या वरुण, उसी में जिसमें उसी में रहो यार, रिस्क चलो उसी में।
सो गाइस अब हम हैं मसूरी में। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत रात हो गई थी हमें आते हुए, तो हमने सोचा कि हम मसूरी में ही स्टे कर लेंगे और बीच में जो थोड़ी बहुत जगहें हैं वो हमने एक्सप्लोर करी, जो सीनिक व्यूज़ थे और सनसेट भी हमने एंजॉय किया जो कि आपको हम दिखाएंगे। बाकी अभी मसूरी में हैं और देख रहे हैं कि कहाँ से डिनर विनर पैक करवाएं और कहाँ पे। अभी मोमोज खाए थे, मोमोज खा के मज़ा आ गया, तो अभी जा रहे हैं आगे, फिर आपको बताते हैं जैसा होता है। तो जी ये हम माल रोड के जो रास्ता है थोड़ा सा आगे चले गए थे और अभी एक्चुअली 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। 10 बजे मतलब अभी तो बंद नहीं हुआ है, ऐसा हमने सुना है कि बंद हो जाता है, बट ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। सेल मिल रही है यहाँ पे 199 रुपये का, कुछ काम की चीज़ें नहीं है। तो जी प्लान कैंसिल कर दिया, तो आगे जा रहे हैं, हमारे साथी हमें मिल नहीं रहे और हम उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। ये शॉप अच्छी लग रही है, यूज़ पे चलेंगे। चलो पहले उनको ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे मूवी लगी हुई है और वो एडम भी है, रिलीज हो गई क्या? चलिए यही घूम रहे हैं, बंद होने वाला है, हम लोग भी अपना चलते हैं घर की तरफ निकलते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और हम रुके हैं इस होटल में जिसका नाम है मसूरी रेसिडेंसी, और सुबह सुबह उठ के हमने ये ये लेमन टी और कॉफ़ी मंगवाई है, और इस होटल से व्यू बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम हमेशा यहीं रुकते हैं जब भी मसूरी आते हैं। वैसे तो नीचे वाला रूम लेते हैं बट नीचे वाला रूम अवेलेबल नहीं था, नहीं तो रूम से ये व्यू दिखता है बहुत ही प्यारा। जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरी हिमालयन रेंज पीछे को दिख रही है, आप देख सकते हैं। व्यू वाले होटल में रुकने का यही फ़ायदा है कि आप मतलब अगर बाहर नहीं भी जाना चाहते तो आप रूम पे एंजॉय करिए बढ़िया सा, है ना, व्यूज तो है ही आपके पास। तो इस वजह से मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि हमेशा व्यूज़ वाला रूम लिया जाए। बाकी ये पहाड़ हैं दूसरे वाले, अभी ये मैं 13 प्रो मैक्स से बना रहा हूँ वीडियो, दूसरी भी 14 प्रो मैक्स से भी बना के देखता हूँ, फिर देखते हैं कंपैरिजन के क्या रिज़ल्ट आता है। तो फिलहाल तो ये टेक्निकल वीडियो नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ वीलॉग, ट्रैवल वीलॉग काइंड ऑफ अ थिंग, सो एंजॉय। तो जी हमारे साथ हैं अब देवेंद्र जी और ये बताएंगे कि वो जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो कहाँ के हैं। हाँ जी बताइए देवेंद्र जी। ये पहाड़ सर हिमालयन के है, हिमालय है ये ना। हाँ तो हिमालयन, तो वहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है क्यों? अभी तो कोई जाने उसके आसपास भी नहीं जा सकते, यहीं तक जा सकते हैं जहाँ ये गांव है ना। अच्छा, और वो जो ऊपर जो सबसे ऊंचा वाला पहाड़ दिख रहा है वो वाला, वहाँ पे जा सकते हैं? अच्छा, क्योंकि जो रोड है सर वहीं तक जा सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर है ही नहीं, ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन गांव तो बसा हुआ है वो देखो एक, लेकिन वहाँ से दिखेगा नहीं कुछ, है ना? तो वहाँ से दिखेगा नहीं, वहाँ से ऊपर है। तो ये क्या चाइना में है पहाड़? ये कहाँ है, हिमाचल के पहाड़ हैं ये, कहाँ के हैं ये? हिमाचल के होंगे, हिमाचल के होंगे ना। तो आपके गांव से दिखते हैं? नहीं मेरे यहाँ से तो गंगोत्री यमुनोत्री के दिखते हैं, चार धाम यात्रा। अच्छा, मेरे यहाँ से नज़दीक है सर 85-100 किलोमीटर के लगभग। हाँ, अपने गांव का नाम बता दीजिए। मेरा गांव संबर गांव है। संबन गांव। अच्छा, तो जी देवेंद्र जी संबन गांव के हैं और संबन गांव का नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ मसूरी में। बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, या अगर यहाँ पे आए तो इनसे ज़रूर मिलें, कुछ भी चाहिए हो बहुत ही अच्छे हैं। तो बस यही कहानी है इसकी, इन पहाड़ों की पहुँच नहीं सकते हो आप, अगर आपको पहुँचना है तो आप सीधा मनाली होते हुए लद्दाख जाइए, तभी आपको ये पहाड़ नसीब होंगे। बट उत्तराखंड में चले जाओ सर, जोशीमठ में, जोशीमठ में, हाँ जोशीमठ से हिमालयन दिखता है सर, ओली में है ना। हाँ ओली में भी तो है, जोशीमठ से 20 किलोमीटर ऊपर ओली। यहाँ से ओली जाने में कितना घंटे लगते हैं?
यहाँ से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है तो फिर तो 12-13 घंटे लगते, 15 घंटे लगते ही होंगे। तो ओली जा सकते हैं, ठीक है जी जी। हाँ ये बर्फ मिल जाएगी ना। वही मैं पूछ रहा था कि ये जो पहाड़ है ना, ये है कहाँ के? ये हिमाचल के होंगे। अच्छा हिमाचल के होंगे, उत्तराखंड के नहीं हो सकते क्या? हिमाचल की, हाँ हिमाचल की बर्फ कहाँ से देख सकते हो आप, मतलब उत्तराखंड में आके? हाँ तो यही ऐसा धनौल्टी से देख सकते हो आप, लाल टिप्पा से। तो सामने लाल टिप्पा जाएंगे तो वहाँ से वो आगे साफ दिखेगा, सर मतलब ज़्यादा दिखेगी वहाँ से, क्योंकि यहाँ से हल्का दिख रहा है वाइट पे। तो चंबा बताइए, ये बताइए कि अगर जहाँ मसूरी में बर्फ थी हो तो किस टाइम पे आए? जनवरी फरवरी में आ जाओ, जनवरी में। तो जी गाड़ी हमारी साफ़ हो गई है, यहीं पे साफ़ करवा ली थी मैंने, 200 रुपये लिए इन्होंने। बाकी अच्छी साफ़ करी है, मतलब पहाड़ों पे मेहनत करते हैं, मेहनत से बचते नहीं है, क्योंकि मैंने यूजली देखा है कि मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, बट कई कई लोग होते हैं कि ना मतलब नहीं, मतलब सही से नहीं करते, बट इन्होंने सही से साफ़ कर दिया। तो जी हो गए हैं रेडी और निकलने के लिए वापस अपने घर। और ये हमारे कुछ रूम की हालत है, बहुत बुरी हो रखी है। बस अब निकलते हैं यहाँ से सीधा, सबसे पहले जाएंगे गाज़ियाबाद, उसके बाद आगे का प्लान, एक्चुअली उसके बाद तो घर ही जाएंगे फरीदाबाद। सो करते हैं यहाँ से शुरू अपनी जर्नी वापस फरीदाबाद के लिए। तो जी निकल रहे हैं अब हम अपने होटल से, और बस यहाँ मसूरी में देख रहे हैं कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि अभी कुछ नाश्ता तो किया नहीं है। तो नाश्ता वास्ता करके फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या प्लान है हमारा। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और यहाँ का अलग ही वाइब होता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है, फील होता है, मतलब पॉजिटिव सा फील होता है, पता नहीं क्या, मुझे शुरू से पहाड़ों से बहुत प्यार है। एक्चुअली होटल पास में ही था मार्केट के, तो सीधा पैदल ही चल लेते हैं, फिर बाद में गाड़ी बाद में पिक कर लेंगे वहाँ से। बहुत ही छोटा रास्ता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल जाती हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं सर आप? ओह माय गॉड, वॉकी टॉकी वाले घर हैं यहाँ पे, हाईटेक। थोड़े से और सफेद पहाड़ दिखे। बट बारिशों में मत आओ, कुछ नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे। इवन मतलब ये जो उत्तराखंड भी है, ये जो छोटे पहाड़ है, ये भी आते थे हिमालय रेंज में ही सर? ये हम कुछ कुछ पार्ट ना हमारे बिहार से भी दिखते हैं। तो सर ये जो अपना सूर्य है, या मैंने आता था हिमालय रेंज में ही, इस पर आता है तट के स्थल पर आता है। तो जी ये हिमालयन रेंज ही है, अंकल बहुत गुस्से में गाड़ी चलाते वक्त गुस्सा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पर आप पेशेंस सीख गए ड्राइविंग करते वक्त, आपकी ज़िंदगी सवर जाती है। ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता सीधा माल रोड की तरफ जाता है। यहाँ पे कोई रूल है या नहीं, बट मुझे लगता है कि रूल हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता, हेलमेट जरूर लगाएं ताकि आपकी जान बच जाए, क्योंकि आप पे और भी लोग डिपेंडेंट होते हैं, आपकी फैमिली और आपके दोस्त और भी। तो अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10:07 और हम लोग माल रोड की तरफ जा रहे हैं। तो जी ये है यहाँ की माल रोड, जहाँ पे हम कल रात में भी आए थे, दिन में कुछ ऐसी दिखती है।
शॉपिंग करेंगे अभी कुछ थोड़ी, तो देखते हैं फेमस है, यहीं पे देख लेते हैं। तो जी यहाँ पे आए हम शॉपिंग करने। भैया अभी शॉप का नाम क्या है? फैशन हब। फैशन हब में आए हैं और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है भैया के यहाँ पास। ये रेड वाली स्वेटर ली है और बाकी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्वेटर हैं, सर्दियों का सामान है, ट्रैक सूट्स हैं, बेच सकते हैं आप, खरीद सकते हो और बेच भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अपना मैन्युफैक्चर इनको बेच दो। सही बात है। वेलकम गाइस, जी हम आए हुए हैं अभी यहाँ पे। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है पटन मसूरी चौक। कोई कैफे है यहाँ पे और निज भोग निज भोग नाम से एक जगह है यहाँ पे। रेस्टोरेंट है जगह नहीं, और बेसिकली रेस्टोरेंट है। भाई बहुत करेक्शन कर रहा है, इसको काट प्राइमरी लेके। अरे बहुत प्यारा भाई है, उसको फ्रेम में ले। तो जी अब आए हुए हैं यहाँ पे और हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, पनीर डोसा, एक ये भी ऑर्डर किया, सब यही खाएगा और बटर मसाला डोसा तो अभी खा के बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। ये बेसिकली मसूरी चौक पे ही है, मसूरी का चौक, लाइब्रेरी चौक पे ही है, फाटक के सामने वाला रेस्टोरेंट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो हमने सोचा कि ट्राई करते हैं। और इसका ऊपर का काफ़ी अच्छा सा एंबियंस है, काफ़ी अच्छा है। तो जी हमारा खाना आ गया है। अच्छा तुम टीवी रिकॉर्ड। हमारा खाना आ गया है, ये है मसाला डोसा और ये है पनीर मटर पनीर मसाला डोसा, ऐसा ही कुछ है ये। और डिफरेंस तो कुछ लग नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है भाई का कट गया है, बाकी अंदर से फीलिंग्स अलग होगी क्योंकि डोसा है। ये आ गया है हमारा साउथ इंडियन प्लेटर। अबे रखो तो ये रख दिया सर, हाथ हटाओ प्लेटर को, आप डिस्टर्ब करो। आज पहली बार खाने से पहले बना रहा, वरना खाने के बाद बनाता है। सीख रहा हूँ ना धीरे धीरे। yeah. आपके कमेंट में डालना ये चीज। तो जी ये जो आया था हमने सब खा लिया, एक एक्स्ट्रा डोसा भी खा लिया क्योंकि उनको एक्चुअली ऑर्डर में प्रॉब्लम हो गई थी, उनको समझ में नहीं आया था कि हमने तीन मंगवाए हैं या दो, तो वो भी हमने मंगवा लिया। हमने सोचा कि यार क्या पता वो हमने वेटर को उसके लिए चार्ज करें, क्योंकि उसने बोला था कि उसने ठीक से नहीं सुना है जो भी है, तो हमने सोचा कि यार किसी गरीब को परेशान करना, तो हमने ऑर्डर कर लिया। हमने कहा चलो ले आओ यार, हम खा ही देते, हम तो कुछ भी खा लेते। तो जी खाना बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है। डोसा तो अच्छा लगा, बाकी का पता नहीं, उपम भी अच्छा था। साउथ इंडियन बेस्ट खा चुके हम लोग। जैसे गौरी शंकर मंदिर है, गढ़वाल है, हिमालय है, यहाँ ब्रिटिश जमाने के बने हुए ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पॉइंट है, यहाँ से दिख जाते हैं, यहाँ से दिख जाता है टेलीस्कोप। वेरी गुड। और अगर और ऊपर जाए ऊपर से भी यही दिखाई देता है, लाल टिब्बा से 100 रुपये पड़ता है एक आदमी का, यहाँ 50। अच्छा लाल टिब्बा नाम है उस जगह। हाँ, लाल टिब्बा, वहाँ से भी पूरा हिमालय का व्यू दिखाई देता है। लाल टिब्बा से भी देख सकते हैं और ये भैया के पास आके देख सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जग्गू बाबा। अरे जग्गू बाबा के पास आके देख सकते हैं और पता नहीं बहुत दूर दूर तक आप देख। 6 पॉइंट दिखाते हैं, 6 पॉइंट दिखाते हैं, 50 रुपए। हॉन्टेड हाउस भी दिखाते हैं, हॉन्टेड हाउस भी दिखाते हैं। वहाँ जा कैसे सकते हैं? पड़ेगा रास्ते में मसूरी दर्द उनके? अलग पड़ता है जी। अच्छा अलग पड़ता है, चलिए ठीक है, थैंक यू जग्गू जी, वेलकम सर। तो जी फाइनली ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग करके निकल चुके हैं अपने होटल से। अब हमारा अगला स्टॉप होगा सीधा देहरादून, वहाँ पे हम अपना लंच करेंगे। 12:14 हो रहे, देखते हैं यहाँ से कितने टाइम पे पहुँचते हैं, क्योंकि जाम तो बहुत होगा, दिन का टाइम है। जब हम आए थे यहाँ से तो रात थी। खड़ी करिए, जब भी आप आएँ पहाड़ों पे तो कोशिश करिए कि बीच रोड पे ना खड़ी करें, थोड़ा सा जगह देख लें, नहीं तो आगे देख लें, काफ़ी शॉप्स होती हैं। हमें यहाँ पे पानी देखने रुके तो मैं बता रहा हूँ।
रहा था कि आगे देख लें थोड़ा सा, जहाँ पे जगह हो वहीं पे रोकें, बीच में ना रोकें, क्योंकि क्या होता है कि नहीं आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है, क्या होता है कि जगह गिर जाती है और पहाड़ों पे तो कोई तेज़ चलाता कोई धीरे चलाता, अगर कोई तेज़ चलाने वाले के सामने अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर ब्रेक मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, या कोई स्कूटी वाला आपके साथ एक्सीडेंट कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सही से वो करके रखें। बाकी पहाड़ों को हम विदा करने वाले हैं कुछ ही समय में, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी हम हैं देहरादून में पैसिफिक मॉल के अंदर और देखें थोड़ा सा कुछ खाने के लिए पैक करवाने के लिए आए हैं, तो काफ़ी अच्छा मॉल लग रहा था, हमने सोचा कुछ रस्ते के लिए पैक करवाने लिया, अभी तो भूख नहीं हुई है, अभी नाश्ता किया है। यहाँ पे गाड़ी का शोरूम भी है और एक चमचमाती हुई BMW खड़ी हुई है। तो जी मैकडी में आए हुए हैं अभी, और सॉरी मैकडी नहीं बर्गर किंग है, यहाँ पे बर्गर ऑर्डर करें और मैंगो शेक करके। बर्गर किंग से हमने बर्गर पैक करवा लिए हैं और एम्बियंस अच्छा है इसका और काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम्स भी हैं यहाँ पे, तो एंजॉय कर रहे हैं। फिर अब जब निकलते हैं यहाँ से तो बताते हैं आप। तो जी अब निकल गए हैं हम देहरादून से, काफ़ी आगे आ गए, अराउंड 20-25 किलोमीटर आगे आ गए, टाइम हो रहा है 4:22 और अब प्लेन्स आ गए हैं, पहाड़ ख़त्म हो गए, तो बहुत सैड सा लग रहा है, ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया। अभी हम पहुँचे हैं, इसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ से हमें ATA दिखाना है 8 बजे का, बट हम 8 बजे तो नहीं पहुँच पाएंगे, वो मुझे भी पता है, जो देहरादून से जो सहारनपुर वाला हाईवे पकड़ते हैं उस वाले रोड पे हैं, यहाँ से सीधा आपको सहारनपुर वाला हाईवे मिलता है, उसी रोड पे हम लोग, और ये चचा उतर रहे हैं, बड़ी खुश हो गई। तो जी पहुँच गए हैं हम गाज़ियाबाद और टाइम हो रहा है 8:15, तो वहाँ से निकले थे देहरादून से, वो टाइम मैंने आपको पहले दिखा दिया, तो इतना टाइम लगा हमको यहाँ तक पहुँचने में, बाकी हमने बीच में 10-15 का ब्रेक लिया, उससे ज़्यादा नहीं लिया था। तो अब फाइनली स्पीड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये चैनल बच्चे भी देखते हैं तो इसलिए स्पीड में लिमिट में ही चलानी चाहिए जब तक कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ना हो जाए, बाकी भी लिमिट में ही चलानी चाहिए क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है तो इस वजह से हम जल्दी चला रहे हैं बाकी हम ज़्यादा जल्दी नहीं चला रहे, मजाक कर रहे थे, आप सीरियस मत हो जाना, 80 पे ही चल रहे हैं। तो जी पहुँच गए हैं गाज़ियाबाद, अब यहाँ से फरीदाबाद का रास्ता 1 घंटा लगता है अराउंड, और टाइम हो रहा है 8, तो अभी थोड़ा बहुत जाम मिलेगा शायद क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होती है, तो ये सब रहता है, बाकी कोई नहीं, घर पहुँच जाएंगे आराम से, पहुँच के आपको फ़ोन करते हैं फ़ोन करते हैं यार ये क्या है, ये काटना पड़ेगा, पहुँच के आपको बताते हैं कि कितने बजे हम पहुँचे। फाइनली पहुंच गए हैं घर और टाइम हो रहा है 10:10, अब रेस्ट करेंगे घर जाके, कल से फिर वही शुरू, ऑफिस का काम, ऑफिस की टेंशन, ऑफिस के चोचले
तो फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हाँ, ये थी हमारी ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया है मैंने, तो कैसा लगा बताइएगा। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।